क्या कुछ डिटेल्स सामने आएंगे? देखिए, आज सुबह लखनऊ की एसटीएफ टीम के द्वारा समदा क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे मंझनपुर अस्पताल ले आया गया, जहां दौराने उपचार उसकी मृत्यु हो गई है। इसकी पहचान प्रतापगढ़ निवासी गुफरान के रूप में हुई है। ये शातिर अपराधी है। अब तक की जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ में इसके विरुद्ध हत्या के प्रयास और लूट के 13 मुकदमे पंजीकृत हैं और इसके ऊपर 1.25 लाख रुपये का इनाम भी है। ये गुफरान है, प्रतापगढ़ का कुख्यात अपराधी है। इस पर 1.25 लाख रुपए का रिवार्ड था और कई जिलों की पुलिस इसको काफ़ी समय से तलाश कर रही थी। उसी दरमियान पता चला कि ये कौशाम्बी जनपद में किसी बड़ी घटना को आज अंजाम देने वाला है, जिसको चेज किया जा रहा था। आज समदा के पास इसको रोकने का प्रयास किया गया, इसने पुलिस बल पर जान से मारने से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में घायल हो गया। घायल अवस्था में इसको अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई। इस पर 1,25,000 रुपये का रिवार्ड था, 1 लाख रुपये प्रयागराज जोन से और 25,000 रुपये सुल्तानपुर जिले से। इससे एक 32 बोर का पिस्टल स्टार का, एक 9mm कार्बाइन और एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सर, क्या अतीक से भी संबंध है इसका? इसका कई बड़े अपराधियों से संबंध है। अभी ये जांच का विषय है, जांच करेंगे, जो चीज़ तथ्य आएगा फिर बताया जाएगा। गैंग के बारे में इसके गैंग के कई लोग जेल में हैं, वो भी हम लोग पता कर रहे हैं।